दर्शन भाई मुझसे पूछते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन जो भी मुझे सुन, बॉयज एंड गर्ल्स, इन अनसर्टेन टाइम व्हाट शुड बी आवर थॉट्स एंड एक्शंस, व्हाट शुड बी वी लुकिंग फॉर, व्हाट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन वी शुड डू विथ आवर इंटरनल एंड एक्सटर्नल परिवार मेंबर्स. सो व्हाट शुड बी आवर थॉट्स, वर्ड्स एंड डीड्स इन अनसर्टेन टाइम्स. थॉट्स, वर्ड्स एंड डीड्स, बहुत इंपॉर्टेंट बात पूछी है दर्शन भाई ने. व्हाट शुड बी आवर थॉट्स, वर्ड्स और डीड्स. सबसे पहला, ये जो थॉट्स है, वर्ड्स है और डीड्स है, यानी कि थिंकिंग, कम्युनिकेशन और एक्शन. पहला थिंक होता है, बाद में हम कम्युनिकेट करते हैं और एक्शन करते हैं. अगर हम घबराए हुए हैं, इन आवर थॉट्स वी आर अफ्रेड, तो अपना वर्ड्स भी डरा हुआ इंसान का होगा और एक्शन भी सारे जो डरे हुए इंसान करते हैं वही हमारा एक्शन होगा. देयरफॉर अनसर्टेन टाइम में, अनिश्चितता के काल में, इन द मोस्ट अनसर्टेन टाइम्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर थॉट्स, वर्ड्स एंड डीड्स. और व्हाट शुड बी योर कम्युनिकेशन इज व्हाट दर्शन भाई इज आस्किंग. तो मुझे याद आ रहा है, आज से करीबन 15 साल पहले मैंने एक प्रोग्राम किया था जिसका नाम है कॉन्फिडेंस मल्टीप्लायर. तो पहली बात तो मैंने हमेशा कहा है कि ये जो वर्ल्ड है, ये जो वर्ल्ड चल रहा है, ये वर्ल्ड जो है अभी फोर्थ क्रॉसओवर में आया हुआ है. इस दुनिया में 4 क्रॉसओवर हुए थे. क्रॉसओवर एक ऐसा पीरियड होता है, या इसको ट्रिगर पीरियड बोलते हैं, इसको इन्फ्लेक्शन पीरियड बोलते हैं, आपको जो नाम से पुकारना है इसको पुकार सकते हैं. ये एक ऐसा पीरियड होता है जहां हर चीज को चैलेंज किया जाता है. द वे इन विच वी वर्क, द वे इन विच वी ट्रेड, द वे इन विच वी कम्युनिकेट, द वे इन विच वी रिलेट, द वे इन विच वी डू एवरीथिंग इज चैलेंज्ड. वो एक पीरियड होता है. तो कहते हैं एक क्रॉसओवर जो है वो 50 साल का होता है, और खास करके उसके 50 साल के जो लास्ट फ्यू ईयर्स होते हैं वो सबसे डेंजरस, वायलेंट और कॉन्फ्लिक्टिंग और बहुत ही केओटिक होता है. तो ये जो क्रॉसओवर है जिसमें आप और हम बैठे हैं, ये फोर्थ क्रॉसओवर है इस दुनिया में. इसके पहले और भी क्रॉसओवर हुए थे. सबसे पहला क्रॉसओवर हुआ था 1,00,000 साल पहले. 1,00,000 साल पहले लोग बोलते नहीं थे, तो बोलने की क्षमता थी नहीं लोगों में, ये वोकल कॉर्ड्स डेवलप नहीं हुए थे, तो लोग साइन लैंग्वेज से बात करते थे. अब ये साइन लैंग्वेज में आप बात करेंगे तो आप कितनों को इन्फ्लुएंस करेंगे, एक या दो आदमी को. आप 100 जन को साइन लैंग्वेज में नहीं बात कर सकते, बिकॉज आप अलग अलग चीज़ों को समझाने की कोशिश करें. तो 1,00,000 साल पहले जब लोगों ने बोलने शुरू किया, तब पहला क्रॉसओवर हुआ. जब क्रॉसओवर हुआ तो लोग बोल सके, एक को बोल सके, दो को बोल सके, तीन को बोल सके, पांच को, तो बोल के लोगों ने चीज़ों को ट्रांसफॉर्म किया, चेंज किया, परिवर्तित किया, रूपांतरित किया. अब बोलने की वजह से जो 1,00,000 साल पहले जो पहला क्रॉस हुआ, तो द वे इन विच पीपल थॉट एंड कम्युनिकेटेड एंड एक्टेड चेंज्ड, वर्क चेंज्ड, कम्युनिकेशन चेंज, ट्रेडिंग चेंज, बिजनेस चेंज, एवरीथिंग चेंज्ड. दूसरा क्रॉसओवर हुआ फिर बाद में 10,000 साल पहले, तो 10,000 years ago द सेकेंड क्रॉसओवर हैपेंड. ये जो सेकेंड क्रॉसओवर है, यहाँ पीपल बिगेन टू राइट. तो आप पत्तों पे लिख सकते हैं, कपड़ों पे लिख सकते हैं, अलग अलग सरफेसेस पे आप लिख सकते थे. अब लिखने की वजह से आप दूसरों का थॉट्स को, वर्ड्स को और डीड्स को चेंज कर सके, और खुद के थॉट्स, वर्ड्स और डीड्स को चेंज कर सके, क्योंकि आपने यहाँ से लिख के आप घुड़सवारी में कोई और देश में, कोई और जगह पे, कोई और सिटी पे, कोई और टाउन में आपने वो जो कम्युनिकेशन है उसको भेज दिया, और आगे वाला वहाँ बैठ के पढ़ रहा है उस पत्ते को या कपड़े को या जो भी सरफेस में आपने उसको कम्युनिकेट किया है. तो आप पहले तो आप साइन लैंग्वेज में बहुत कम आदमी लोग को ट्रांसफॉर्म कर सकते, सेकंड जब आपने बोलने चालू किया तो आपने ज़्यादा आदमी को ट्रांसफॉर्म किया, जब आपने लिखने चालू किया तो
आप और भी ज्यादा आदमी को आप ट्रांसफॉर्म कर सके. देयरफॉर एवरीथिंग स्टार्टेड चेंजिंग इन अ फास्टर मैनर बिकॉज नाउ यू कुड राइट. बट राइटिंग का भी एक लिमिटेशन होता है, आप कितने दिन को लिखेंगे, आप लिखते लिखते थक जाएंगे. एंड देयरफॉर लिखने का भी एक लिमिटेशन था और उस ख्याल को पहुंचाने का एक लिमिटेशन था. तो फिर उसके बाद एक क्रॉसओवर नहीं हुआ. तो फिर तीसरा जो क्रॉसओवर हुआ वो आज से 500 साल पहले हुआ था, जब गुटनबर्ग ने मूवेबल प्रिंट, जिसको बोलते हैं प्रिंटिंग की स्थापना की. तो आप यू नो फटाफट आप प्रिंटिंग कर सकते हैं. आपने अगर आपने ये पेज बना दिया यू नो मैनिफेस्टिंग मंत्रास बोल के, अगर आपने ये पेज बना दिया तो आप यू नो 10,000 कॉपी, 20,000 कॉपी, 50,000 कॉपी, 1,00,000 कॉपी, 10,00,000 कॉपी आप बना सके. और 10,00,000 कॉपी आप बना के जब आप बेचते हैं तो 10,00,000 आदमी का थॉट्स, वर्ड्स एंड डीड्स को रातों रात बदल सकते हैं. ये था थर्ड क्रॉसओवर. और फिर कुछ नहीं हुआ टिल 1967-1968 में गॉर्डन मोर, जो इंटेल का फाउंडर माना जाता है, उसने इंटीग्रेटेड चिप्स की स्थापना की. एंड बाय 1970 द फोर्थ क्रॉसओवर विच इज द डिजिटल क्रॉसओवर जिसको बोलते हैं, ये शुरू हुआ. जैसे मैंने कहा कि एक क्रॉसओवर 50 साल का पीरियड होता है और उसका जो लास्ट जो पीरियड होता है, पर्टिकुलरली द लास्ट 4-5 इयर्स आर द मोस्ट ब्लडीएस्ट, द मोस्ट रॉकीएस्ट, द मोस्ट डर्टीएस्ट, द मोस्ट कॉन्फ्लिक्टिंग, द मोस्ट एगनाइजिंग, द मोस्ट पेनफुल पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री. सो मुझसे लोग पूछते हैं कि अपना थॉट्स, वर्ड्स और डीड्स क्या होना चाहिए. अब अपना थॉट्स शुड बी कॉन्फिडेंट, अपना वर्ड शुड बी कॉन्फिडेंट, अपना डीड्स शुड बी कॉन्फिडेंस. तो सबसे पहला बात, जो ये क्रॉसओवर जो हुआ है, जो फोर्थ क्रॉसओवर हुआ है, यहाँ पर हर चीज को चैलेंज किया जा रहा है. द वे इन विच वी कम्युनिकेट, द वे इन विच वी द पेरेंटिंग जो है वो बदल गया, बॉस सबॉर्डिनेट का रिश्ता बदल गया, सप्लायर वेंडर का रिलेशनशिप बदल गया. टीचर एक ज़माने में पावरफुल था तो आज स्टूडेंट पावरफुल हो गया. एक ज़माने में मैन्युफैक्चरर पावरफुल था तो अब कस्टमर पावरफुल हो गया. तो एक ज़माने में माँ बाप पावरफुल थे तो आज बच्चे पावरफुल हो गए. तो द होल क्रॉसओवर हैज़ दिस यू नो लिंक्ड इनटू ए वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ एनवायरमेंट. तो पहले जो आपको कॉन्फिडेंस मिलता था वो बाहर से मिलता था. आपका यूनियन, अगर आप काम करते तो यूनियन आपको कॉन्फिडेंस देता था, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस आपको कॉन्फिडेंस देता था, गवर्नमेंट आपको कॉन्फिडेंस देता था. क्लोज्ड बॉर्डर होते थे तो बाहर से कोई आदमी माल बेच नहीं सकता था, वो आपको कॉन्फिडेंस देता था. आपका शादी, आपका बच्चा, आपका जॉइंट फैमिली, आपका कल्चर, ये सब चीज आपको कॉन्फिडेंस देता था. लेकिन क्रॉसओवर के पीरियड में, और ये जो क्रॉसओवर हुआ है, दिस इज द फोर्थ क्रॉसओवर, और ये डिजिटल क्रॉसओवर हुआ है, ये टेक्नोलॉजिकल क्रॉसओवर हुआ है. तो भी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जो है ना, ये बहुत गहरी है, ये हम आंख से नहीं देख सकते. टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जो है, इट इज लाइक द रेज ऑफ द सन रेज. तो अगर आप सन को देखेंगे तो आप ब्लाइंड हो जाएंगे, तो टेक्नोलॉजी को देखेंगे आप ब्लाइंड हो जाएंगे. एंड देयरफॉर टेक्नोलॉजी इज लाइक सन रेज, यू नो उसको आप हम देख नहीं सकते. तो फिर सन के बॉर्डर में अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि 5 चेंजेस हुए हैं इस 50 साल में. तो सबसे पहला चेंज है यू नो ये सब टेक्नोलॉजी की वजह से हो रहा है. सबसे पहला चेंज जो है साइंटिफिक चेंजेस है. सेकेंड जो चेंज है वो इकोनॉमिक चेंजेस है. थर्ड है पोलिटिकल चेंजेस. फोर्थ है सोशल चेंजेस. और फिफ्थ है कल्चरल चेंजेस. तो सबसे पहला जो साइंटिफिक चेंजेस हो रहे हैं, पहले एक साइंटिफिक इन्वेंशन के लिए 20 साल 30 साल लगते थे. अगर एक बल्ब बनाना है तो 20 साल लगते थे, तो साइंटिफिक इन्वेंशन बहुत टाइम. लेकिन अभी टेक्नोलॉजी की वजह से ये साइंटिफिक इन्वेंशन 6 महीने में 7 महीने में हो रहा है. सो द चेंज, ये जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस है, बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है. पहले और इसकी वजह से नई चीजें इस दुनिया में बहुत जल्दी आ रहा है टेक्नोलॉजी की वजह से. तो लोग बोलते हैं यार अभी क्या करें, हमारा कॉन्फिडेंस को तो बरकरार रखना है, तो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो रहा है. तो चलो इकोनॉमिक चेंजेस की तरफ देखते हैं. अब इकोनॉमिक चेंजेस का मतलब है कि पहले अगर बल्ब बनाने को 20 साल लगता तो उसको कमर्शियली इकोनॉमिकली मार्केट में लाने के लिए अनदर 20 ईयर्स लगता था. टोटल चेंज एक मार्केट में आने के लिए 30-40 साल लगते थे. लेकिन अभी क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी की वजह से साइंटिफिक चेंजेस भी फास्ट हो रहा है और इकोनॉमिक चेंजेस भी फास्ट हो रहे हैं. इकोनॉमिक चेंजेस का मतलब है कि अब नए प्रोडक्ट्स हर घंटे में लॉन्च हो रहे हैं.
इसका मतलब है कि ना ही आपका मार्केट परमानेंट है, ना ही आपका रिलेशनशिप्स परमानेंट है, ना ही आपका कस्टमर परमानेंट है, ना ही आपका कोई टेक्निक या स्ट्रेटजी परमानेंट है, ना ही आपका प्रोडक्ट परमानेंट है, ना ही आपका मार्केट शेयर परमानेंट है। एवरीथिंग इज एफीमरल का मतलब है एवरीथिंग इज टेम्पररी। इसका मतलब है कि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की वजह से इकोनॉमिक चेंजेस हो रहे हैं एंड देयरफॉर लाइवलीहुड इज बीइंग चैलेंज्ड एवरी मिनट, बिजनेस इज गेटिंग चैलेंज्ड एवरी मिनट, एम्प्लॉयमेंट इज गेटिंग चैलेंज्ड एवरी मिनट, एम्प्लॉयज आर गेटिंग चैलेंज्ड एवरी मिनट, एंटरप्रेन्योर्स आर गेटिंग चैलेंज्ड एवरी मिनट। तो हम बोलते हैं यार ये दोनों तो हमारी मार रहे हैं, तो हम चलो पॉलिटिशियंस के पास जाते हैं, वो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पॉलिटिकल चेंजेस हो रहा है, क्योंकि पहले पॉलिटिशियन कोई चीज़ को रोक सकता था कंट्री में आने से, बॉर्डर को बंद कर सकता था। लेकिन अगर आपको अभी आप ताइवान से माल आना है, चाइना से माल आना है या अमेरिका से माल आना, वो रोक नहीं सकते हैं। आपने WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का ट्रीटी साइन कर दिया है तो फ्री ट्रेड है, तो अभी आप उसको भी रोक नहीं सकते। और जैसे ही बेचारे ये पॉलिटिशियन जो होते हैं वो बड़े साधारण इंसान होते हैं, वो फुल वर्ल्ड व्यू नहीं रखते हैं, तो जब भी वो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो अनजाने में प्रॉब्लम डबल ट्रिपल हो जाता है। एंड देयरफॉर वो भी अपने कॉन्फिडेंस को, तो हम सोच रहे थे कि वो बॉर्डर बंद कर देगा, वो दूसरा माल अंदर आने से बंद कर देगा, वो हमारे को बचा लेगा, तो वो भी हमें बचा नहीं पा रहा। इकोनॉमिक चेंजेस हमें बचा नहीं पाएगा, साइंटिफिक चेंजेस हमें बचा नहीं पाएगा, तो हम सोच रहे थे कि साला गवर्नमेंट ही बचा दे, पॉलिटिकल, तो पॉलिटिशियंस एंड पॉलिटिकल चेंजेस आर हैपनिंग एंड पीपल आर बिकमिंग वेरी वेरी वाइब्रेंट एंड डिमांडिंग मोर आउट ऑफ पॉलिटिशियंस। तो वो लोग जब प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो प्रॉब्लम डबल हो जाता है। तो फिर लोग बोलते हैं हमारा कॉन्फिडेंस की तो बच गई, तो हमें कॉन्फिडेंस के लिए कहाँ जाना चाहिए। तो चलो सोशल इंस्टीट्यूशंस के पास जाते। तो जैसे सोशल इंस्टीट्यूशंस लाइक जॉइंट फैमिली हुआ, यू नो सोशल इंस्टीट्यूशन लाइक मैरिजेस हुआ, या सोशल इंस्टीट्यूशन लाइक रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हुआ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये टेक्नोलॉजी की वजह से और ये जो स्पीड की वजह से ये सोशल इंस्टीट्यूशंस को भी पिछले 50 साल में चैलेंज किया गया है। जैसे भी जो जॉइंट फैमिली का जो कॉन्सेप्ट है वो तो चला गया, तो न्यूक्लियर फैमिली होगा। तो पहला जोर का झटका पूरा जॉइंट फैमिली को लगता था, अब जोर का झटका वो न्यूक्लियर फैमिली को लगता है, और वो अकेली नन्ही सी जान है वो आदमी या औरत, वो अकेले हस्बैंड वाइफ, वो क्या इन्हों झटके को संभाल पाएंगे। जैसे पहले 30 जन का फैमिली होता था तो झटका संभाल लेते थे, एक भाई का नौकरी गया तो दूसरा संभाल लेता था, तो पूरी फैमिली थी उस टाइम पे। तो जॉइंट फैमिली हैज बीन चैलेंज्ड। अगर आप रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को देखो तो चर्च में लोग जाना बहुत कम कर दिया है, और यू नो और बाकी जो इंस्टीट्यूशंस है वहाँ पर भी फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, और क्योंकि लोगों का नज़रिया पूरा बदल गया, आउटलुक पूरा बदल गया, क्योंकि पहले इन्फ्लुएंस तो खाली माँ बाप के थे, टीचर के थे और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का। अभी तो जो इन्फ्लुएंस है वो पूरी वर्ल्ड का इन्फ्लुएंस है, टेक्नोलॉजी का इन्फ्लुएंस है, अदर कल्चर्स का इन्फ्लुएंस है, अदर कंट्रीज़ का इन्फ्लुएंस है। तो ये बहुत बड़ा यू नो सोशल इंस्टीट्यूशंस भी आपको बचा नहीं पा रहे। यू नो पहले मैरिज जो होता था मेरे फादर के ज़माने में, तो मैरिज का मतलब था, मेरे फादर के एस नायर को तो कंफर्म मालूम था कि इंदिरा एस नायर से शादी कर लो तो ज़िंदगी भर रहेगी, आपने अच्छा ट्रीट किया बुरा ट्रीट किया वो तो रहेगी। लेकिन वो सब भी बदल गया है, अभी वो मैरिज जो है मेरे ज़माने में तो मेरे को लगता 50-50 है कि शायद बीवी रहेगी शायद नहीं रहेगी, लेकिन आज के तारीख में शादी में तो शाम को रहेगी कि नहीं और शाम को हस्बैंड रहेगा कि नहीं ये नहीं मालूम। तो ये जो सोशल चेंजेस भी बहुत ज़बरदस्त हो रहा है। तो आदमी को जो पहला मैरिज जो कॉन्फिडेंस देता था, जॉइंट फैमिली जो कॉन्फिडेंस देता था और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जो कॉन्फिडेंस देता था, अब वो भी निकल गया है। तो आदमी बोलता अपना कॉन्फिडेंस के लिए क्या करे, तो बोले चलो कल्चर है, अपना जो कल्चर है वो स्ट्रांग है तो अपने को कल्चरल जो है कल्चर हमारे को बचा लेगा और हमको कॉन्फिडेंस देगा। लेकिन कल्चरल चेंजेस भी बहुत हो रहा है, कल्चरल इरोजन हो रहा है। तो मैं तो थोड़े दिन पहले किसी को बता रहा था कि एक चेन्नई में एक लड़की है, तमिल हिंदू लड़की है, वो चाइना में जाती है हायर स्टडीज़ के लिए, वो वहाँ का एक मुसलमान लड़के के साथ शादी कर लेती है और वहाँ पर से वो अमेरिका चले जाते हैं, उनको एक बच्चा हो जाता है 2 साल के बाद। अभी वो लोग पेरिस में रहते हैं, हस्बैंड वाइफ और बच्चा।
तो मेरे को बताइए वो लड़की कौन सा कल्चर को फॉलो करना चाहिए, जो तमिल कल्चर है उसको फॉलो करे, तमिल हिंदू कल्चर है उसको फॉलो करे, तमिल चेन्नई का जो कल्चर है उसको फॉलो करे, तमिलनाडु का कल्चर है उसको फॉलो करे, इंडियन कल्चर को फॉलो करे, चाइनीज कल्चर को फॉलो करे, चाइनीज मुस्लिम कल्चर को फॉलो करे, अमेरिकन कल्चर को फॉलो करे, पेरिस का कल्चर को फॉलो करे, कौन सा कल्चर को फॉलो करे। तो कल्चरल कन्फ्यूजन की वजह से लोग अपने आप को डायरेक्शन नहीं दे पा रहे। तो ये जो पांच चेंजेस हो रहे हैं इसकी वजह से देर इज टू थिंग्स हैपनिंग, देर इज क्राइसिस ऑफ पर्सनल कॉन्फिडेंस ऑन वन साइड एंड यू नो सो देर आर इनक्रेडिबल अपॉर्चुनिटीज ऑन द अदर साइड। एक साइड में ये जो चेंजेस हो रहे हैं उसकी वजह से बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं, और दूसरे साइड में ये चेंजेस की वजह से इनक्रेडिबल क्राइसिस ऑफ पर्सनल कॉन्फिडेंस हो रहा है। लोगों को कॉन्फिडेंस जो पहले बाहर से मिलता था, गवर्नमेंट से, फैमिली से, जॉइंट फैमिली से, इंस्टीट्यूशन से, यूनियन से, कंट्री से, कल्चर से, सोशल इंस्टीट्यूशन से जो कॉन्फिडेंस मिल रहा था वो अभी नहीं मिल रहा है। देयरफॉर द टाइम हैज कम टू मैन्युफैक्चर योर ओन कॉन्फिडेंस। वक्त आ गया है आपको अपना खुद का कॉन्फिडेंस को मैन्युफैक्चर करना है। तो कहते हैं कि अब ये इंटरनली डेवलप कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बाहर से नहीं आना चाहिए। आपको कोरोना वायरस के टाइम पे बाहर से कॉन्फिडेंस नहीं मिलना है, बाहर से आपको कंफ्यूजन मिलने वाला है। बाहर आपको हजार लोग व्हाट्सएप भेज रहे, आप हजार को व्हाट्सएप भेज रहे, कोई आदमी को नहीं मालूम कि वो क्या कर रहा है। तो कॉन्फिडेंस कोई किसी को नहीं दे रहा, सब दूसरे को ये जो है घबराहट की वजह से वो फियर को स्प्रेड कर रहे हैं, अनसर्टेनिटी को स्प्रेड कर रहे हैं, अनिश्चितता को और स्प्रेड कर रहे हैं, कोई ठहराव नहीं ला पा रहा। तो ठहराव तो कोई नहीं ला पाएगा आपके लाइफ में, ठहराव तो आपको लाना है, क्योंकि कॉन्फिडेंस इज अ सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट ह्यूमन एबिलिटी इन अनसर्टन टाइम्स। ऑल अदर एबिलिटीज रिक्वायर कॉन्फिडेंस एट इट्स फाउंडेशन, एंड पीपल हु कैन डेवलप देयर ओन कॉन्फिडेंस कैन लर्न एनीथिंग, एडजस्ट टू एनीथिंग एंड अकम्प्लिश एवरीथिंग। तो दर्शन भाई ने मेरे को ये पूछा कि हमारा थिंकिंग, कम्युनिकेशन और एक्शन क्या होना चाहिए। हमारा थिंकिंग, कम्युनिकेशन और एक्शन कॉन्फिडेंस का होना चाहिए। तो मैं डेफिनेशन देना चाहता हूँ कॉन्फिडेंस का। कॉन्फिडेंस इज अ इटर्नल लाइफ टाइम एबिलिटी टू रिमेन कंपोज्ड, अलर्ट एंड डायरेक्टेड इन योर थॉट्स, वर्ड्स एंड डीड व्हेन फेस्ड विद फियर्स एंड इनसिक्योरिटीज। कॉन्फिडेंस एक ऐसा इटर्नल लाइफ टाइम एबिलिटी है, वन टाइम एबिलिटी नहीं है, लाइफ टाइम एबिलिटी टू रिमेन, हमें रिमेन करना है, रिमेन कंपोज्ड, शांत। सब कुछ बिगड़ रहा है लेकिन हमें शांत रहना। कॉन्फिडेंस इज एन इटर्नल लाइफ टाइम एबिलिटी टू रिमेन कंपोज्ड, अलर्ट। इस अशांति में कहां अपॉर्चुनिटी। देखो, शांत रहोगे तो देख पाओगे और जान पाओगे और महसूस कर पाओगे, सेंस कर पाओगे, एनालाइज कर पाओगे, प्लान कर पाओगे, कुछ कर पाओगे शांत हो तो। अगर एजिटेटेड है, अपसेट हो, एंग्री हो, नहीं देख पाओगे, आपके सामने अपॉर्चुनिटी होगा आप नहीं देख पाओगे। तो कॉन्फिडेंस इज एन इंटरनल लाइफ टाइम एबिलिटी टू रिमेन कंपोज्ड, अलर्ट इन योर थॉट्स, वर्ड्स एंड डीड्स। अलर्ट, यू नो, कंपोज्ड, अलर्ट इन योर थॉट्स, वर्ड्स एंड डीड्स व्हेन फेस्ड विद फियर्स एंड इनसिक्योरिटी। तो सबको फियर है, फ्यूचर का फियर है, पैसे का फियर है, बच्चों का फियर है, बिजनेस का फियर है, एम्प्लॉयज का फियर है। तो कॉन्फिडेंस जो है इट इज़ एन इटर्नल लाइफ टाइम एबिलिटी टू रिमेन कंपोज्ड, अलर्ट एंड डायरेक्टेड। यानी कंपोज्ड रहना है, अलर्ट रहना है और डायरेक्टेड यानी आपको डायरेक्शन देना है। आप गवर्नमेंट से डायरेक्शन ना मांगिए, आप कम्युनिटी से डायरेक्शन ना मांगिए, आप इंसानों, दूसरे जो आजू बाजू में आपके घूम रहे उससे डायरेक्शन ना मांगिए, आपको खुद को डायरेक्शन देना है। इसका मतलब है यू हैव टू बी सेल्फ डायरेक्टेड, सेल्फ करेक्टेड, सेल्फ मोटिवेटेड, नॉट अदर्स डायरेक्टेड, अदर्स मोटिवेटेड, अदर्स गाइडेड। आपको सेल्फ गाइडेड रहना चाहिए,
सेल्फ मोटिवेटेड रहना चाहिए, सेल्फ इनिशिएटिव आपको लेना चाहिए। सब लोग घबराए हुए, आपको क्या करना है ये आप डिसाइड करो ना, आपको क्या करना है, आपको ये मारा मारी और ये अनिश्चितता में भाग लेना है। जैसे लोग बोलते हैं रिसेशन है, तो मैं पूछता हूं कि आप भाग ले रहे हैं रिसेशन में? क्योंकि पिछले 35 साल में मैंने कोई रिसेशन में और मंदी में भाग नहीं लिया, मेरा मूड नहीं है भाग लेने का। और मैं आने वाला 65 साल इस दुनिया में जो रहने वाला हूं, क्योंकि अभी मैं 55 का और 120 में मरने वाला हूं, तो मैं अगला 65 साल चाहे कोई भी मंदी में भाग नहीं लेने वाला हूं, ये मैंने तय कर लिया है। तो कहते हैं कॉन्फिडेंस इज एन इंटरनल लाइफ टाइम एबिलिटी टू रिमेन कंपोज्ड अलर्ट एंड डायरेक्टेड इन योर थॉट्स वर्ड्स एंड डीड्स When faced with fears and insecurities, तो आपको जो fears हैं और insecurities हैं, इसके अंदर जब डर लगा हुआ है insecure, उसके अंदर आपको composed रहना है, आपको directed रहना है, आपको guided रहना है। Composed, alert and directed in your thoughts, तो आपके thoughts को आपको guide करना है, आपके words को आपको guide करना है, आपको deeds को आपको guide करना है। कोई पॉलिटिशियन नहीं करेगा आपके लिए, कोई बॉस, कोई कलीग, कोई दुनिया कर दिया किसी ने आपको, मतलब आपके लाइफ में आके कोई गाइड कर दिया तो नसीब समझ लो, लेकिन आपको अपने आप को गाइड करना है। तो कॉन्फिडेंस इज एन इंटरनल लाइफ टाइम एबिलिटी टू रिमेन कंपोज्ड अलर्ट एंड डायरेक्टेड इन योर थॉट्स वर्ड्स एंड डीड्स व्हेन फेस्ड विद फियर्स एंड इनसिक्योरिटीज सच दैट डेंजर्स बिकम्स अपॉर्चुनिटी, obstacles becomes innovation, setback becomes breakthroughs and weaknesses become advantages। मतलब danger को opportunity में तब आदमी convert कर सकेगा जब आदमी composed है, alert है, directed है in his thoughts, words and deed। अगर वो घबराया हुआ है, upset है और वो rumor mongering में है और WhatsApp forward में लगा हुआ है, कोई उसको डरा रहा है, वो और दसों को और डरा रहा है। किसी ने मेरे को 10 मैसेज भेज के मेरे को डरा रहा है और मैंने 300 मैसेज भेज के साले 300 को डरा रहा हूं, तो ये काम चलने वाला नहीं। आपको अपना काम करते रहना है। हाँ, आप बीमार है, अगर आपको कुछ बीमारी हो गई तो आपको मालूम है कहां जाना है, कौन से हॉस्पिटल में जाना, नंबर है आपके पास नहीं है पूछ लो, वहां चले जाओ और अपने आप को ट्रीट करवा लो। लेकिन ये जो डेंजर है उसको अपॉर्चुनिटी में अगर बदलना है तो आपको कंपोज्ड, अलर्ट और डायरेक्टेड रहना पड़ेगा। सो द डेंजर हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू एन अपॉर्चुनिटी। डेंजर ये है कि आपका धंधा डाउन हो गया, अब ट्रैवल एंड टूरिज्म में डेंजर ये है कि आपका धंधा डाउन हो गया, अपॉर्चुनिटी ये है कि आप दूसरे तरीके से धंधा कर सकते हैं, उसी लाइन को एक्सटेंडेड बिजनेस में कर सकते हैं। आप अगर ट्रैवल के धंधे में तो आप दूसरे जो छोटे हैं उनको आप गाइड कर सकते हैं कि किस तरह से तू धंधा कर सकता है, उनको आप बता सकते हो कि इन्हों घबराना नहीं है, आपको इस टाइम पे लीडर बनना है। सो इट इज एन इटर्नल लाइफ टाइम एबिलिटी टू रिमेन कंपोज्ड, अलर्ट एंड डायरेक्टेड इन योर थॉट्स, वर्ड्स एंड डीड व्हेन फेस्ड विद फियर्स एंड इनसिक्योरिटीज सच दैट डेंजर को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना है। हर डेंजर, जो भी डेंजर है, मैं इसको अपॉर्चुनिटी में कैसे कन्वर्ट करूं, लेकिन मिनिमम कॉन्फिडेंस होना चाहिए। डेंजर को अपॉर्चुनिटी, ऑब्स्टिकल को इनोवेशन, जो बाधाएं आ रही हैं उनको इनोवेशन में कैसे कन्वर्ट करें आपको बैठ के सोचना पड़ेगा। कॉन्फिडेंट है और कंपोज्ड, अलर्ट और डायरेक्टर तो कर पाओगे। अपॉर्चुनिटी यू नो डेंजर को अपॉर्चुनिटी, ऑब्स्टिकल टू इनोवेशन, सेटबैक्स को ब्रेक थ्रू, सेटबैक यानी को जो फटके लगे, झटके लगे, उसको ब्रेक थ्रू में कैसे कन्वर्ट करना। अब मेरे को 2-3 सेटबैक लगा है तो मैंने अल्टरनेटिव बिजनेस चालू कर दिया, क्योंकि ये पीरियड में अगर मैं ट्रेनिंग के धंधे में हूं और ये पीरियड में ट्रेनिंग नहीं हो रहा है तो मैंने रिक्रूटमेंट का धंधा चालू कर दिया। और मैंने बोला बहुतों की नौकरी जाने वाली है तो मैं उनको पकड़ के किधर और नौकरी दिलवाने वाला हूं। तो इस तरह से आपके पास अपॉर्चुनिटी रिलेटेड लाइन में आप काम कर सकते हैं। तो डेंजर को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना है, सेटबैक को ब्रेक थ्रू में कन्वर्ट करना है, वीकनेसेस को एडवांटेज में कन्वर्ट करना है। आपकी जो वीकनेस है उसको एडवांटेज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, आपकी कंपनी की वीकनेस है, आपकी प्रोडक्ट की वीकनेस है, उसको एडवांटेज में किसके साथ कोलैबोरेशन करके आप इसको यू नो
वीकनेस को एडवांटेज में कन्वर्ट कर सकते हो, ये आपको सोचना है. सो कॉन्फिडेंस इज एन इटर्नल लाइफ टाइम एबिलिटी टू रिमेन कंपोज्ड, अलर्ट एंड डायरेक्टेड इन योर थॉट्स, वर्ड्स एंड डीड्स व्हेन फेस्ड विद फियर्स एंड इनसिक्योरिटी. सब दैट डेंजर को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दिया, ऑब्स्टकल को इनोवेशन में कन्वर्ट कर दिया, सेटबैक को वीकनेस में कन्वर्ट कर दिया, डेंजर को अपॉर्चुनिटी, ऑब्स्टेकल को इनोवेशन, सेटबैक को ब्रेक थ्रू में कन्वर्ट कर दिया और वीकनेस को एडवांटेज में कन्वर्ट कर दिया. सो दर्शन भाई मेरे को पूछ रहे हैं कि व्हाट शुड बी योर थॉट्स, वर्ड्स एंड डीड्स. योर थॉट्स, वर्ड्स एंड डीड्स शुड बी वन ऑफ कॉन्फिडेंस, वेयर यू आर नॉट क्रिएटिंग कंफ्यूजन बट यू आर गिविंग क्लैरिटी, वेयर यू आर नॉट गिविंग अप होप बट यू आर गिविंग होप, वेयर यू आर नॉट मेकिंग थिंग्स कॉम्प्लेक्स but you are making things more clear, where you are not getting carried away by the rumors and you are not spreading the rumors but you are stopping the rumors by not forwarding and by not talking unnecessarily about anything. ज़्यादातर लोग fears के वजह से ही इस चीज़ को बड़ा बना रहे, लेकिन ये जान नहीं रहे हैं कि हम अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे. जितना आप जो चीज नहीं है उसको बड़ा बनाएंगे उतना आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे. आने वाले कई महीनों में बहुत सारे बिजनेसेस बैंकरप्ट हो जाएंगे, बहुत सारे धंधे रोड पे आ जाएंगे, और ये ना आने के लिए आपको मदद करना है खुद की. बोलते हैं ना, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ्स. आपको मदद करनी है by remaining composed, alert and directed in your thoughts, words and deeds. अब इसके लिए क्या करना है? अब नया चीजें करना है तो confident लोग पांच चीजें करते हैं. सबसे पहला, decide, focus, act. decide कर लो कि नया क्या करना है. तो मैंने सोचा recruitment करूं, मैंने एक sales academy चालू कर दिया. मेरा जो एंटरप्रेन्योर ट्रांसफॉर्मेशन है वो उसको प्रॉब्लम है, तो मैं एंटरप्राइज ट्रांसफॉर्मेशन चालू कर दिया. तो डिसाइड करो, फोकस करो, जो डिसीजन लिया उसी पे फोकस करो, और सभी एक्शन उस डिसीजन के तहत ही होना चाहिए. तो आपको नया, आप डिसाइड करो, फोकस करो, एक्ट करो. डिसाइड, फोकस एंड एक्ट, स्टेप नंबर वन. स्टेप नंबर टू इज लीव द फेमिलियर बिहाइंड. मतलब जो परंपरागत जो आपका काम करने का जो तरीका था उसको फैमिलियर है ना, वो उससे आप वाकिफ है, उसको छोड़ दो. तो आपने नया डिसाइड कर दिया, फोकस कर लिया उसी पे, एक्ट कर रहे हो, और जो पुराना तरीका था, स्टाइल था, आप क्लासरूम में ट्रेनिंग करे तो ऑनलाइन में चले जाओ. तो डिसाइड, फोकस एंड एक्ट, लीव द फैमिलियर बिहाइंड. जो पुराना तरीका था उसको छोड़ दीजिए. तीसरा स्टेप जो है कॉन्फिडेंस को मैन्युफैक्चर करने का, ये सब कंटिन्यूटी में सिर्फ पांच स्टेप है. तो डिसाइड, फोकस, एक्ट, लीव द फैमिलियर बिहाइंड. थर्ड, डेवलप न्यू कैश, KASHS, नया नॉलेज. क्योंकि आपने नया काम डिसाइड किया, आपने नई चीज के ऊपर फोकस किया, तो आपको नया नॉलेज लगेगा. तो डेवलप नॉलेज उस डिसीजन के तहत, न्यू नॉलेज, न्यू एटीट्यूड्स, आप कुछ एटीट्यूड्स को बदलने पड़ेंगे, न्यू स्किल्स डेवलप करने पड़ेंगे, नई आदतें डेवलप करनी पड़ेगी, और आपको पूरा अपना स्ट्रेटजी को बदलना पड़ेगा. इसका मतलब यह है, अनिश्चितता का जो काल है ये सबसे बढ़िया पीरियड है खुद को अपग्रेड करने का. ये पीरियड है सबसे बढ़िया ट्रेनिंग प्रोग्राम जो हमेशा चाहते थे आप अटेंड करें उसको अटेंड कीजिए. ये पीरियड है वो 10 बुक जो आपको पढ़ना था उस बुक्स को पढ़ लीजिए. ये पीरियड है जितने भी आपको एजुकेशनल सीडीज देखने हैं, जैसे हमारा संतोष नायन ऑनलाइन एकेडमी है, 300 से ऊपर सीडी है, हर सब्जेक्ट के ऊपर मैंने बात किया. ये पीरियड है, हर दो दिन में एक सीडी देख लो, हर दो दिन में एक सीडी देख लो, और अपने आप को रिच बना लीजिए. सो Decide, focus, act. Step number one. Step number two, leave the familiar behind. Step number three, develop new cash. Naya knowledge, nayi attitude, nayi skills, nayi aadate aur nayi strategy. Aur isi liye aap apna naya programs attend kijiye. Aur alag alag type ke programs
हमारे कंपनी जो स्मार्ट भी कर रही है हर लोकेशन में, और भी बहुत सारे ट्रेनर्स कंसल्टेंट्स कोचेस करते होंगे, आप जाइए किताबों पे ध्यान दीजिए, क्योंकि वो जो नया काम कर रहे हैं उसके लिए नई स्किल्स और नई नॉलेज और नई आदतें और नई कैपेबिलिटीज की जरूरत है। तो ये पीरियड है कैपेबिलिटीज को बिल्ड करने का, ये पीरियड है हर वो जगह हर वो इंसान से मिलने का जो आपको अपग्रेड कर सके। अब चौथा स्टेप, ट्रांसफॉर्मिंग ऑब्स्टेकल्स। अब माय डियर फ्रेंड्स, इतना तो कॉमन सेंस ही है और आपको भी है और हमें भी है कि जब आप कुछ नया करने वाले हैं तो बहुत ऑब्स्टेकल्स आने वाले हैं, क्योंकि वो लाइन तो आपने पहले कभी किया ही नहीं, वो तरीका तो आपको मालूम भी नहीं, वो तो फैमिलियर भी नहीं है, वो आप उससे वाकिफ भी नहीं हैं, आपने वो पहले कभी नहीं किया है, वो आपके फितरत में नहीं है। तो सबसे पहला डिसाइड, फोकस एंड एक्ट, स्टेप नंबर टू लीव द फैमिलियर बिहाइंड, स्टेप नंबर थ्री नया कैश को डेवलप करो, स्टेप नंबर फोर ट्रांसफॉर्म ऑब्स्टेकल्स, का मतलब है आपको जो ऑब्स्टेकल्स है उसे फेस करना, और जब वो ऑब्स्टेकल आ रहे तो खुशी से उसे फेस करना, इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि ये जो ऑब्स्टेकल है इसको आप फेस करेंगे तो आपको एक नया सेट ऑफ नॉलेज और एटीट्यूड मिलेगा, जिससे आप नया चीज करेंगे, जिससे कि आपका धंधा हो सकता है 10 times बढ़ जाए, लेकिन ये तो सिर्फ एक कॉन्फिडेंट आदमी ही कर सकता है। और जो पांचवा स्टेप है, और वो है नॉर्मलाइज द न्यू, इसका मतलब है अब आपने डिसाइड कर दिया कुछ नया करने का, फोकस कर दिया, उसके ऊपर एक्ट कर लिया, दूसरा आपने फैमिलियर को छोड़ दिया, तीसरा आपने नया कैश को डेवलप किया, चौथा आपने ऑब्स्टेकल्स को ट्रांसफॉर्म किया, और उसके बाद सब चीज को नॉर्मल करना है। वो जो नॉर्मल यानी कि जो नया करने का जो कलाकारी है उसमें आप नॉर्मल बन जाओ। तो आपके पास ऑलरेडी एक दूसरी कलाकारी थी जिसको आपने छोड़ दिया और ये नई कलाकारी के लिए आपने 5 steps यूज किया, तो ये होना चाहिए आपका पूरा काम। और इसमें आप अपने टीम के साथ बैठिए, आपकी टीम के पास बहुत सारे आइडियाज है, आपका टीम फील्ड में है, आपका सर्विस वाला, आपका सेल्स का बंदा, आपका जो वाइस प्रेसिडेंट है, आपका जो GM है जो मार्केट में घूम रहा है, उसके पास बहुत सारे आइडियाज है, आपके कस्टमर्स है उनके पास बहुत सारे आइडिया, उनको ईमेल भेजो, उनको फोन करो, उनसे मिलो जाके, बोले अभी नया क्या करना है, आपको क्या लगता है घनश्याम भाई हम क्या करें हमारे धंधे को और भी बढ़िया। तो घनश्याम भाई बोलेगा आप वो कर रहे थे आप ये करो, आप बड़ा बना रहे थे आप छोटा बनाओ, आप बड़ा क्वांटिटी में बेच रहे छोटा क्वांटिटी में बेचो, आप फोन पे नहीं बेच रहे तो फोन पे बेचो, आप ऑनलाइन बेचो, आप है ना इसको अमेजोन में बेचो, आप फ्लिपकार्ट में बेचो, तो कई आइडियाज आपके आने वाले। लेकिन आप नाराज हो के अगर चुपचाप एक कॉर्नर में बैठ के काम बंद करने वाले हैं तो कुछ होने वाला है नहीं। तो दर्शन भाई ने मुझसे ये थोड़ा लंबा आंसर हो गया, लेकिन बात को गहराई से समझाने का एक पुराना आदत है मेरा, शॉर्टकट तो बोल ही नहीं सकता हूँ क्योंकि सुपरफिशियल तो मेरा नॉलेज है नहीं, मैंने खुद किया है तो मेरे पास कुछ कलाकारियाँ हैं, स्टाइल है जिसकी वजह से मैं 35 साल से जीवित रहा हूँ, एंथुजियास्टिक रहा हूँ, फटके लगे हैं अभी भी फटी पड़ी है, लेकिन साला बोलता ना इफ़ यू वॉन्ट टू मेक इट फेक इट, कहते हैं कि पहले तो कम से कम कॉन्फिडेंट है दिखाओ तो सही, चलिए फटी नहीं है ये दिखाओ तो सही, है तो भी नहीं बोलना है, बताना नहीं है किसी को, ना एम्प्लॉय को बताना है, ना बीवी को बताना है, ना हस्बैंड को बताना, ना बच्चे को बताना, बाप तुम्हारा कॉन्फिडेंट है और नया नया करता रहेगा, ये विश्वास आपको दिलाना है। सो दर्शन भाई ये पूछ रहे हैं, इन दिस अनसर्टन टाइम व्हाट शुड बी आवर थॉट्स एंड एक्शंस is what we are looking for, what kind of communication we should do with our internal and external परिवार members. तो हम internal परिवार member को ही बोल रहे हैं, डटे रहो, लगे रहो, अपना काम करते रहो, gossip में अपने आप को मत डालो, WhatsApp को आगे पीछे मत भेजो, सब लोग right thinkers बन गए हैं before they can even have the ability to think, हर आदमी अपना नुस्खा सुना रहा है, हर आदमी अपना फॉर्मूला दे रहा है, हर अपना अपनी आदमी अपना तड़का दे रहा है, और हर आदमी कोई अथॉरिटी नहीं है, जो फॉरवर्ड कर रहा है जो चीज़ों को आगे पीछे कर रहा है कोई अथॉरिटी है नहीं,
तो अथॉरिटी बोले तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, आपको अगर जानकारी लेनी है तो वहां एक लो ना आप, दस बाकी लोगों को बोलो आप अपना मैसेज बंद कर देवे, हमें नहीं चाहिए आपका मैसेज, हमें नहीं चाहिए आपका डायरेक्शन, हमने थोड़ी ना बोला आप हमको साला भेजते रहो कि दुनिया में जापान में क्या हो रहा है, इटली में क्या हो रहा है, चाइना में क्या, मेरे को जानने का ही नहीं है, और क्यों जानने का मेरे को, मुझे ये देखना है कि मेरा जो टीम है वो इंटैक्ट रहे, वो काम करते रहे, मेरे कस्टमर सेफ रहे। तो उसके लिए जो दो चार कदम लेने वो कदम लेते हुए अपना काम करो, इस उम्र के अंदर हाथ क्यों डाल रहे। गवर्नमेंट अपना काम करेगी, बाकी लोग अपना काम करेंगे, इन्होंने स्कूलों को अगर बंद करना है तो बंद करेंगे, लेकिन अपने को धंधे वालों को अपना काम करते रहना चाहिए। What dialogues we should present to our clients as they are suffering, they are also suffering. Client को आपको दर्शन भाई ये बताना है कि हम आपके साथ हैं। Client को ये बताना है कि आपका problem क्या है, हम solve करने को ready हैं। हम extra service देने को ready हैं। हम ज़्यादा time invest करने को ready हैं। हम renegotiate करने को ready हैं चीज़ों को। तो आपको सबको ये बताना है। दूसरा मेरे को पूछा है example कि किसी ने कहा कि मेरा टूर का धंधा है और 100% गिर चुका है, तो व्हाट शुड आई डू विथ माय टीम, क्या करूं मैं अपने टीम के साथ। टीम को डेवलप कीजिए, टीम की काबिलियत को शार्प कीजिए, टीम को सीडीज दिखाइए, टीम को वीडियोस दिखाइए, टीम को टीम को ऑनलाइन एजुकेशन कीजिए, टीम का काबिलियत को बढ़ाइए। तो व्हाट शुड आई ask them to leave? क्या मैं अपने टीम मेंबर्स को छोड़ के जाने के लिए बोलूं? क्यों? जब वो अपने साथ गुड टाइम्स में था, जब हमने उसको गुड टाइम्स में उसको साथ रहा, अब टाइम्स आर बैड तो हमें उसको घर भेजना नहीं। अनलेस वो एकदम इनएफिशिएंट यूजलेस गधा आदमी है जिसको हम 300 साल से निकालने के बारे में सोच रहे थे, तो उसको निकाल दो, वो बात अलग है। लेकिन आपके साथ जो लड़ रहे हैं, जो कल सुबह तक लड़ रहे थे, आज ये दूसरा कुछ अनसर्टेन टाइम आ गया तो आप उसको क्यों भेजेंगे। और आपको ऐसे रोड पे तो बैठे नहीं है, आपका तो बंगला है, चार घर है, आपका गाड़ी है, आपका घोड़ा है, आपके पास सोना है, आपके पास बहुत सारे चीज़ें हैं, फिक्स डिपॉजिट है, इन्वेस्टमेंट है, सब कुछ है, आप भिखारी तो है नहीं, बहुत सारे धंधे वालों के पास अच्छा पैसा है, तो उतारो यार, घर भेज डालो। हमने तो जब हमारे पास बंबई में 6 घर होता था, जब अनसर्टन टाइम आया और डिफिकल्टी हुई, हमने 1, 2, 3, 4, 5 घर भेज डाला, तो अभी एक ही घर है, अभी फिर काम कर रहे हैं और उसको बिल्ड करेंगे, क्या प्रॉब्लम है। कभी ऑफिस भेज दिया, तो कभी अपने जितना फिक्स डिपॉजिट है वो निकाल दिया, तो कभी अपना कोई बंगला निकाल दिया, कभी अपना लैंड निकाल दिया। तो ये सब करके आपको अपना टीम को जिंदा रखना है, उसको उत्साहित रखना है, उसको मोटिवेटेड रखना है। तो सबसे पहला लोगों को छोड़ने को बोलना तो सबसे आसान काम है। अच्छा, छोड़ने के बाद जब वक्त बड़ा बराबर हो जाएगा 4 महीने के बाद, फिर आप ढूंढते फिरेंगे, फिर आपको फिर ट्रेन करना पड़ेगा, फिर आपको उनको अपग्रेड करना पड़ेगा, फिर आपको वो सब नॉलेज देना पड़ेगा, उनका नया एटीट्यूड स्किल और उनको, और जब धंधा बढ़ने वाला है तो आपके पास वो आदमी काबिल आदमी नहीं होगा, तो आदमी को निकालना इज नॉट द सॉल्यूशन टू द होल थिंग। शुड आई कट द सैलरी By 40% for 3 to 4 months, आप टीम का मीटिंग बुलाइए, बोलिए देखिए इस तरह से चल रहा है, धंधा है नहीं, इनकम है नहीं, करना क्या है, आप पूछिए उनको और कलेक्टिवली डिसीशन लीजिए। अगर सब बोलते सर हमारा 20-20% सैलरी आप रोक लो, 40% आप सैलरी रोक लो, बाद में देना, तो ठीक है जी, 100 रुपया मैं आपको दे रहा था, मैं आपको 60 रुपया दूंगा इन अनसर्टन टाइम, बाकी 40 मैं रख लूंगा। या फिर सब बोलते हैं कि सर आप हमारा फिलहाल के लिए 1 महीने के लिए जब तक ये ढलता नहीं है तब तक आप हमको 40 रुपया कट कर लो 100 रुपये में से। लेकिन जॉइंट डिसीजन लीजिए, यूनिलैटरल डिसीजन ना लीजिए, और खुशी से लीजिए, खुशी से लीजिए। वो खुशी से अगर बोलता काट लो तो बात अलग है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ कुछ लोगों का जो सैलरी होता है या कुछ कुछ लोगों का जो इनकम होता है उस पर उसका फादर का डायलिसिस चल रहा है, उसका मदर का प्रॉब्लम चल रहा है, उसका बच्चे का एडमिशन का चल रहा है, तो आपको इस टाइम पे ज़्यादा सेंसिटिव बनना चाहिए और ये देखना चाहिए कि पर्सनल लेवल पे आप उसकी मदद कैसे कर सकते हैं। हो सकता है संस्था उसको लोन नहीं दे सकती, लेकिन आप पर्सनल लेवल पे, अब संतोष नायर है तो मैं पर्सनल लेवल पे बहुत कुछ कर सकता हूँ।
संस्था के पास शायद पैसा नहीं है, लेकिन हो सकता है कि मैं ये भंगड़ी जो है ये 2 लाख रुपए का मैं भेज दूं। वैसे भी लटका पड़ा कोई काम का है नहीं, ये भेज दूं, चेन भेज दूं, किसी को तो मदद करो। सो कहने का मतलब ये है कि ये सब चीजें आप कर सकते हैं। तीसरा मेरे को पूछा है होल्ड करूं और ह्यूज लॉस बनाऊं, अरे प्रॉफिट भी तो इन लोगों के साथ ही बनाया था ना, तो थोड़ा दिन लॉस ही बना लेते। किसी ने टाका बिड़ा दिया था क्या, किसी ने आपको गारंटी दिया था कि जिंदगी भर प्रॉफिट ही बनेगा, कोरोना नहीं आएगा, जीएसटी नहीं आएगा, नोटबंदी नहीं आएगा, कौन पूछ रहा है ये सब? ये तो एम्प्लॉय मेंटेलिटी हो गया। एम्प्लॉय मेंटेलिटी का मतलब है मुझे गारंटी दीजिए, सेफ्टी दीजिए, सिक्योरिटी दीजिए, प्रेडिक्टेबिलिटी दीजिए। धंधे वाले को तो सेफ्टी, सिक्योरिटी, प्रेडिक्टेबिलिटी और गारंटी तो मांगना ही नहीं चाहिए, वो तो धंधे वाले की शान के खिलाफ है। तो मैंने तो जिंदगी भर कभी किसी से कोई प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं मांगा, कोई सेफ्टी नहीं मांगा, कोई सिक्योरिटी नहीं मांगा, कोई गारंटी नहीं मांगा, और देने की जरूरत भी नहीं है। मुझे गारंटी नहीं चाहिए, मुझे सेफ्टी नहीं चाहिए, मुझे सिक्योरिटी नहीं चाहिए, मुझे कोई यू नो प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं चाहिए। मैं धंधे वाला हूँ, अनप्रेडिक्टेबिलिटी में पलता हूँ मैं, कॉम्प्लेक्सिटी में खिलता हूँ मैं, एम्बिग्यूटी में डायरेक्शन देता हूँ, कॉम्प्लेक्सिटी में डरता नहीं हूँ। हर वो चीज जब बिखर रहा है तो मैं खड़ा हूं फौलाद के मापक, और दुनिया आपको देखेगी, एंड देयर फोर थोड़ा सा लॉस भी बना लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हाट एक्टिविटी शुड आई डू इन द ऑफिस एज नो बिजनेस इज देयर? आप बैठो, अंताक्षरी खेलो, आप देखो कि दूसरों में क्या टैलेंट है, आप कैपेबिलिटी को बिल्ड करो, स्किल्स को बिल्ड करो, पब्लिक स्पीकिंग एबिलिटी को बिल्ड करो, प्रेजेंटेशन स्किल्स को एबिलिटी की बिल्ड करो, आप अपने क्लोजिंग स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए, आप अपने सेलिंग स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए, आप अपना नेगोशिएशन स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए, आप अपना पब्लिक स्पीकिंग को इम्प्रूव कीजिए, आप किताबें पढ़ो साथ में, वो एक किताब पढ़ रहा है, ये एक किताब पढ़ रहा है, ये एक किताब पढ़ रहा है, 10 किताब सब लोग मिल के पढ़ लो और एक दूसरे को उसके बारे में एक्सचेंज करो। आप अगर आप टूर्स एंड ट्रैवल में हैं तो नई कंट्रीज के बारे में सीखो, जो कंट्रीज में आपने कभी आपको मालूम ही नहीं, तो हो सकता है आप खाली बैंकॉक लेके जा रहे हैं और अमेरिका लेके जा रहे हैं, दुबई लेके जा रहे हैं, हो सकता है आपने चेकोस्लोवाकिया किसी को लेके नहीं गया, हो सकता है आप अफ्रीका में किसी को लेके नहीं गए, तो अफ्रीका के बारे में सीखिए, उनके जंगल के बारे में सीखिए, पहाड़ों के बारे में सीखिए, यू नो हो सकता है कि आप ना किसी को मून पे लेके जाने के बारे में सीखिए। तो नई चीजें बहुत कुछ है सीखने के लिए, जो पहले अपन जब बिजी थे तो वक्त नहीं मिलता था अपने को बहुत सारे चीजें सीखने के लिए, दुनिया के बारे में जानकारी लेने के लिए ये वक्त है वो सब चीजें करने का। तो मेरे ख्याल से ये एक तरीका है जीवन को जीने का। आई होप दैट यू हैव एंजॉयड माई कॉन्वर्जेशन। तो यू नो और भी बातें मैं करूँगा। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि यू नो कॉन्फिडेंस जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, इसको बरकरार रखना है, एन अनसर्टन टाइम में यही आपका साथ देने वाला है। So all the very best and thank you very much.